अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स के सब खैरियत से होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो पीसेस हैं, ये एक एम्ब्रॉयडरी पीस है, इसे हम फ्रंट में यूज़ करेंगे। और ये जो फ्रॉक में बनाने वाले हूँ, ये 2 साल की बच्ची के लिए हैं। और ये इसी सेम शेप में मैंने बैक के लिए कट की हुई है इस तरह से। और अब जो है हम इसमें बैक नेक की भी और फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से जो है मैंने फ्रंट नेक में भी कटिंग कर ली है और बैक नेक की भी कटिंग कर ली है, इस तरह से बटन होल भी की भी। और अब जो है हम इसमें साइड के पैनल ऐड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से जो है ये बैक की बॉडी भी मैंने इस तरह से फोल्ड कर ली है। और ये जो पैनल मैंने ऐड करने हैं, उसके लिए मैंने ये एक पीस लिया हुआ है। जितनी हम बॉडी की लंबाई रखना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग लें। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, अगर कम रखना चाहते हैं तो कम भी रख सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है। और यहाँ पर जो है इस तरह से रखना है मैंने। और इस नाप की जो बॉडी है उसको भी मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आर्म होल की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ तक, हम इसमें से आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरह से जो है मैंने आर्म होल की कटिंग कर ली है इस तरह से। और अब जो है इस पीस को हमने अलग करना है। तो पहले जो लाइन फोल्डिंग की लाइन आई हुई है, इस पर हम कट कर लेंगे। और अब जो है ये वाली साइड जो बंद आ रही है, उस पर कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से जो है ये दो फ्रंट में और बैक में इस तरह से आएंगे। और ये वाले जो है फ्रंट में और बैक में यहाँ पर आएंगे इस तरह से। ये देखिए, ये वाला जो कपड़ा है ये सिल्क का कपड़ा है। और इसे मैं ट्राउज़र भी बनाऊंगी। यहाँ पर जो है एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ है इस तरह से। और इसे मैं ट्राउज़र भी बनाऊंगी। और यहाँ पर जो है पैनल में भी इसी सिल्क का यूज़ करूंगी। मैंने इस पीस को 4 फोल्ड में कर लिया है इस तरह से। और अब जो है हम इस पीस को यहाँ तक कट कर लेंगे, जितनी कि मैंने ये वाली निशान लगाई हुई है इस पीस के ऊपर कट कर लेंगे, इसी निशान के ऊपर। ये देखिए, हमने इस तरह से कट कर लिया है। और अब हम इसको फिर से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और इसको इस तरह से इस कोने से लेकर ये देखिए, इस कोने से लेकर इस कोने तक हमने इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। हम इसी लाइन के ऊपर इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारे 7 पैनल जो हैं वो इस तरह से कट हो चुके हैं। ये 7 हैं और हमें चाहिए 8, हमें 8 कलियाँ चाहिए। तो उसके लिए हम ये एक पैनल इस पर रखेंगे, एक साइड पर इसी शेप में इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमारे 8 पैनल जो हैं वो कट हो चुके हैं। कि स्लीव की कटिंग करेंगे, तो स्लीव के लिए मैंने यही कपड़ा यूज़ करना है
जब बैक बॉडी में यूज़ किया था। ये देखिए इस तरह से मैंने एक साइड से इसकी फोल्डिंग कर ली है। जितनी जितनी आप स्लीव की लेंथ रखना चाहते हैं, नहीं आप रख लें। अगर आप फुल स्लीव रखना चाहते हैं तो फुल स्लीव भी बना सकते हैं इस तरह से। और अब जो है हम ये वाला पीस इस तरह से निकाल लेंगे और इसमें हम स्लीव की कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से जो है ये वाला पीस मैंने इसको अलहदा कर लिया है, और ये जो फ्रंट में जॉइंट था इसको भी खोल दिया है। और अब जो है हम इसको फिर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जो है थोड़ी सी गुलाई की शेप ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसी लाइन के ऊपर हमने कट करना है। देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है, और यहाँ पर जो सेंटर का निशान आता है वहाँ पर भी हम थोड़ा सा कट का निशान लगा देंगे। ये देखिए हमने इस पीस को इस तरह से टू बार में इस तरह से फोल्ड कर लिया है, और अब जो है हम इसको फिर से फोल्ड करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम अब हम इसी लाइनिंग के ऊपर इस तरह से कट कर लेंगे, यहाँ पर भी इस तरह से और यहाँ पर भी। ये देखिए इस तरह से जो इसका बाकी कपड़ा था वो मैंने कट कर लिया है, और अब जो है हम यहाँ पर इस तरह से जितनी आप नाफे की फोल्डिंग रखना चाहते हैं। देखिए इस तरह से जो है मैंने ऊपर नाफे की फोल्डिंग रख ली ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमें कितनी लेंथ चाहिए। और यहाँ पर जो है हम इसका ये जो सादा वाला कपड़ा है यहाँ पर इसको हम ये थोड़ा सा कट कर लेंगे, और थोड़ा सा जो है इसको पोंचों में फोल्डिंग के लिए यूज़ करेंगे। और अब जो है हम इस साइड पर इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से जो है हमारे ट्राउज़र की भी कटिंग हो गई, और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, सबसे पहले जो है हमने ये पैनल अटैच कर लिए हैं एक दूसरे के साथ, फ्रंट के भी और बैक के भी। और ये वाले जो पीस मैंने कट किए हुए थे बॉडी के लिए, अब हम इस पीस को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और इसी मार्किंग के ऊपर कट कर लेंगे और इस पीस के साथ अटैच कर लेंगे फ्रंट के भी और बैक के भी तमाम पैनल जो है। ये देखिए इस तरह से मैंने बॉडी के साथ ये पैनल अटैच कर लिए हैं फ्रंट के भी और बैक के भी, और अब ये इसकी फ्रंट पैनल जो थी उसके साथ अटैच कर लेंगे। इस तरह से मैंने फ्रंट के भी पैनल जो है फ्रंट पैनल के साथ अटैच कर लिए हैं, और इसी तरह से बैक के भी अटैच कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। और अब इसके शोल्डर की जॉइनिंग करेंगे और इसके बाद नेक की फोल्डिंग करेंगे, बैक की बटन पट्टी भी बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नेक की भी फोल्डिंग कर ली है और बैक की बटन पट्टी भी बना ली है, और अब स्लीव रेडी करेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने इसके पफ स्लीव बना लिए हैं, और ये शोल्डर के सामने 3-4 अदद चुन्नट डाली हुई है, और यहाँ पर भी बारीक बारीक से फ्रिल बना दी है इसकी, और बॉर्डर पर ये पिंक कलर की पट्टी लगा लेंगे ये वाली। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पट्टी जो मैंने लगाई हुई है नीचे की साइड से डबल फोल्ड करके यहाँ पर लगाई है, और ऊपर की साइड ये इस तरह से टर्न कर लेंगे, तो इसकी ये जो बॉर्डर है
वो इस पीस के भी और इस स्लीव के भी नीचे जो है इसके अंदर दब जाएंगे इस तरह से। और अगर आप ये पट्टी ऊपर की साइड से लगाना चाहते हैं और नीचे की साइड फोल्ड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, अगर नीचे की साइड से ऊपर साइड फोल्ड करना चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसकी स्लीव रेडी हो चुकी है। अब इसी तरीके से ये इसकी दूसरी स्लीव भी रेडी कर लेंगे और यहाँ पर अटैच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड इस तरह से हमारे दोनों स्लीव जो है वो रेडी हो चुके हैं। और आप इसको फ्रंट साइड पे टर्न करना है और इसके साइड की फिटिंग करनी है दोनों साइड की। ये देखिए फ्रेंड इस तरह से हमारे फ्रॉक की जो साइड की फिटिंग है वो हो चुकी है और अब सिर्फ इसके नीचे की फोल्डिंग करनी है। अगर आप इसी तरह से वी शेप में इसकी फोल्डिंग करना चाहते हैं तो ये फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत लगेगी। और अगर आप इसको गुलाई की शेप देना चाहते हैं तो आप इस पैनल को गुलाई की शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह वी शेप में इसको पाइपिंग लगा दूंगी तो इसकी मुकम्मल लुक मैं आपको दिखाऊंगी बाद में इसको आयरन करने के साथ बाद। ये देखिए व्यूअर सबसे पहले आसन की जॉइनिंग करनी है और उसके बाद नफे की फोल्डिंग करनी है, फिर सीधे पोंचों की फोल्डिंग करनी है और मेन सिलाई लगानी है। तो इसी के साथ हमारी ट्रोज़र रेडी हो जाएगी। फ्रेंड्स यह है इस फ्रॉक की मुकम्मल लुक, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यह मैंने पाइपिंग लगा ली और इसके ऊपर ये डोरी लगा ली है, ये आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी आज की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरे डिज़ाइंस मेरे आइडियाज़ अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।